हाँ तो भाई लोग, आप सभी का आपके YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले इस तरह का जो कात्रा आपको मिलाना होता है तो ये कैसे मिलाते हैं, इसके लिए कैसे टूल्स बनाना है, इसकी जानकारी हम अच्छे से देंगे। मात्र आप 2 मिनट में ये टूल्स बना लोगे और आपका काम भी अच्छे से होगा। और जो टूल्स बनाओगे वो 2-in-1 होगा। 2-in-1 यानी राइट एंगल कटिंग करना तो भी काम आएगा और कात्रा करना तो भी आपको ये टूल्स काम आएगा। तो चलिए गाइड, अभी बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो की करते हैं शुरुआत। हाँ तो भाई लोग, इसी तरह आपको एक प्लाई ले लेने का है। मैंने 8 mm प्लाई था तो 8 mm ले लिया। आप अगर 6 mm भी ले सकते हो, 4 mm MDF भी ले सकते हो, 8 mm MDF भी ले सकते हो। तो इसी तरह से हम इसको राइट एंगल में 12x12 का मैं कटिंग कर रहा हूँ। ये सैंपल के तौर पे समझाने के लिए मैंने 12x12 का पीस कटिंग कर रहा हूँ। अगर आपको लगे भाई मुझे थोड़ी साइज बड़ी चाहिए या छोटी चाहिए तो आप अपने हिसाब से साइज बना सकते हो। मैं बना रहा हूँ 12x12 का बनाऊंगा। तो गाइड अभी आप पूरा वीडियो देखो तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। मैं इसको चौरस 8 कोने में 12x12 का पीस कटिंग कर देता हूँ। तो चलिए गाइड, अभी वीडियो की थोड़ी स्पीड बढ़ा देते हैं, ऐसे लंबा वीडियो हो जाएगा। तो भाई लोग, आप देख सकते हो इस तरह हमने 12x12 का पीस कटिंग कर दिया। अब हम इसको क्रॉस में चेक कर लेते हैं। अपने क्रॉस अगर चेक करते हैं तो मेजरमेंट सेम होना चाहिए। ऐसे क्रॉस आप भी अगर चेक करो तो मेजरमेंट अपना एकदम कंप्लीट mm में होना चाहिए, ये आप ध्यान रखना। तो ऐसे क्रॉस मैं भी चेक कर रहा हूँ क्योंकि मेरे से भी अगर गलती हो जाती तो मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ तो भाई लोग, इस तरह चेक करने के बाद हम इसको इस तरह कोने से कोना हम क्रॉस मार्क कर देते हैं। ठीक है, ये कोना और सामने वाला कोना जैसे आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, इस तरह आपको भी मिला के एकदम अच्छे से मार्क कर देना है। ठीक है गाइड, तो इसी तरह आपको भी मार्क कर देना है। फिर इसको हम क्या करेंगे, कटर से हम बीच में सेंटर में से कटिंग कर देंगे। तो चलिए गाइड, अभी वीडियो की बढ़ाते हैं स्पीड। हाँ तो भाई लोग, इसी तरह आपको भी कटिंग कर देना है। हम एक जो छेड़ा है, एक जो पीस हमारे पास बचा है, वैसे दोनों पीस काम आ ही जाते हैं। तो अभी हम एक पीस पे आपको करके दिखाएंगे अच्छे से, ताकि आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाए जैसा आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। हम बीच का जो भाग एक्स्ट्रा लग रहा है हमको, तो वो हम कटिंग कर देते हैं ताकि हमको क्या पकड़ने में आसानी रहेगी। इसके लिए हम बीच का थोड़ा हिस्सा निकाल देते हैं। जैसा वीडियो में दिखाया जा रहा है उसी तरह आप भी निकाल दो, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा कर सकते हो। अभी मैं वीडियो की बढ़ाता हूँ स्पीड। हाँ तो भाई लोगों, अभी हमने कटिंग कंप्लीट कर दिया अच्छे से। इस तरह आप भी कटिंग कर सकते हो। अब ये हमने पौने की पट्टी निकाली, 8 mm में पौने की पट्टी निकाली है। 18 mm की हमने पट्टी निकाली 8 mm प्लाई में से। तो अभी इसी तरह जैसा आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, इसी साइड आपको ये पट्टी लगानी है। जिससे क्या होगा, इसको हम प्लाई पे जब भी कटिंग करेंगे या कोई भी मोल्डिंग पे रख के हम अगर कटिंग करते हैं तो उस पर क्या है, ये जाके लॉक हो जाता है, तो फिर हम अच्छे से कटिंग कर पाएंगे। तो इसके लिए हम पट्टी लगा रहे हैं। हाँ तो भाई लोग, अभी अपना रे बन गया है 2-in-1 टूल्स। ये देखो, हम राइट एंगल भी कटिंग कर पा रहे हैं, ये अच्छे से राइट एंगल भी कटिंग हो रहा है। जैसा आप वीडियो में देख ही रहे हो ऐसे हम राइट एंगल भी कटिंग कर सकते हैं ऐसे ही। अब हमको कात्रा बनाना है, तो कात्रे के लिए आपको इस तरह काट कोने को पकड़ लेना है।
जैसा वीडियो में दिखाया जा रहा है, तो आप अच्छे से देख सकते हो। इस तरह आप क्रॉस अगर कटिंग करोगे तो वो पूरा आपका कातरा कटिंग हो जाएगा। जैसे मैं वीडियो में कटिंग कर रहा हूँ उसी तरह आप भी ट्राई कर सकते हो। इसी तरह ये ऐसे कटिंग कर दिया क्रॉस, ठीक है। तो गाइड अभी आप देखिए, ये अपना एकदम क्रॉस में कातरा हमने मिला दिया है, अच्छे से मिल भी गया है। अब हम इसका राइट एंगल चेक कर लेते हैं ताकि अपने को क्या है कन्फर्म हो जाए कि हाँ अपना भाई ये कंप्लीट बना है कि नहीं बना है। तो गाइड अभी इसी तरह आपको भी वीडियो में जैसा दिखाया जा रहा है उसी तरह आपको भी चेक कर लेना है। तो अभी मैंने तो अच्छे से चेक कर लिया, वैसे तो कंप्लीट लग रहा है। तो गाइड अभी इसी तरह आप और भी वीडियो में देख सकते हो, इस तरह एकदम अच्छे से मिल गया है, फिनिशिंग से हुआ है काम भी कंप्लीट, और कातरे में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और अच्छे से मिल गया है। तो गाइड इसी तरह क्या है, आप मोल्डिंग पट्टी भी होती है, किसी में भी आपको कातरा मिलाना है तो इसके लिए ये आपको काट कोना अच्छा काम लगेगा। तो गाइड ये हमारे पास छोटी सी जानकारी थी, तो हमको लगा कि ये वीडियो बनाना चाहिए, तो इसीलिए हमने ये वीडियो बनाया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, ताकि न्यू वीडियो आने पर आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिले और नई जानकारी जल्द आप तक पहुँचे।